हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डबल कलर निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। फ्रेंड, इस डिज़ाइन को आप कार्डिगन में, बेबी स्वेटर में बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने फंदे लेने हैं 4 मल्टीपल + 3 एडिशनल लेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा बॉर्डर बना दिया मैंने। बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड से आप इसको बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस डिज़ाइन को बनाना। देखिए, नेक्स्ट कलर को मैंने यहाँ पर ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसे स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन को बनाना। यहाँ पर हमने एक फंदा सीधा बनाया, एक फंदे को हम उतारेंगे, ये देखिए। फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, एक फंदे को उतारेंगे सीधा, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करेंगे। राइट साइड से बनाना है ये। स्लिप करेंगे, सीधा बनाएंगे, स्लिप करेंगे और सीधा बनाएंगे। राइट साइड से फर्स्ट रो पर इसी तरीके से फ्रेंड्स कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, साइड से बनाएंगे सेकेंड रो। सेकेंड रो में ये देखिए, इस फंदे को आपने बनाना है उल्टा। अब ये फंदा हमने स्लिप किया था, इसे आपने स्लिप ही करना है उल्टा। फिर इसे स्लिप करेंगे, उल्टा स्लिप। आगे से हमने ये फंदे सीधे बनाए थे, रॉन्ग साइड से आपने ये फंदे उल्टे बनाने हैं। इसे स्लिप करेंगे, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, इसे स्लिप करेंगे और इसे उल्टा बनाएंगे। रॉन्ग साइड से सेकेंड रो का किसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। एक साइड से बनाएंगे हम थर्ड रो। थर्ड रो में ये देखिए, ये फंदा हम बनाएंगे सीधा, इस फंदे को भी सीधा बनाना है और ये तीन फंदे इसमें हमने सीधे बनाने हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये वाला जो फंदा है, इस फंदे को आपने उतार लेना है। फिर रिपीट करेंगे, 1, 2 और 3 फंदे आप इसमें सीधे बनाएंगे। फिर इस फंदे को आपने उतारना है, सीधा बनाएंगे, 1, 2, 3 फंदे सीधे बनाए, इस फंदे को उतारेंगे। फिर रिपीट करेंगे, 1, 2, 3 फंदे इसमें हम सीधे बनाएंगे, इस फंदे को उतारेंगे और ये 3 फंदे हमारे पास बचते हैं, इनको भी आपने सीधा बनाना। राइट साइड से थर्ड रो को आप इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। रॉन्ग साइड से बनाएंगे हम फोर्थ रो। फोर्थ रो में देखिए कैसे बनाना है, उल्टा, 1, 2 और 3 फंदे इसमें हमने उल्टे बनाने, इस फंदे को आपने स्लिप करना है। फिर रिपीट करना है, 1, 2, 3 फंदे आपने उल्टे बनाने, इस फंदे को स्लिप करना। फिर रिपीट करेंगे, 1, 2, 3 फंदे उल्टे, इस फंदे को स्लिप करेंगे और 3 फंदे हम इसमें उल्टे बनाएंगे। रॉन्ग साइड से फोर्थ रो को आप इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये फ्रेंड्स, यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा बनने लगा है। अब राइट साइड से हम बनाएंगे फिफ्थ रो। फिफ्थ रो में देखिए सीधा बनाना है ये, 1, 2, 3 फंदे हमने सीधे बनाए, इस फंदे को भी आपने सीधा ही बनाना है, 1, 2, 3, 4 और इस फंदे को भी सीधा, यानी ये सारी रो आपकी सीधी ही बनेगी। इस रो को आपने सीधा बनाकर कंप्लीट करना है राइट साइड से फिफ्थ रो को। ये देखिए, रॉन्ग साइड से बनाएंगे हम सिक्स्थ रो। सिक्स्थ रो में देखिए उल्टा बनाया, उल्टा, सिक्स्थ रो में सभी फंदे आपने उल्टे ही बनाने हैं। इस रो को उल्टा बनाकर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा बन गया है। अब हमने अपने कलर को चेंज करना है और राइट साइड से सेवंथ रो को बनाना है। यहाँ पर इस फंदे को हमने बनाया सीधा और इस फंदे को आपने उतारना है और इस फंदे को आपने बनाना है सीधा। अब देखिए, ये वाला जो हमारा फंदा ना, ये वाला फंदा हमारा यहाँ पर स्लिप होगा, ये देखिए। अब उसके बाद हमने फिर रिपीट करना है, एक फंदा बनाया हमने, इसे स्लिप किया, इस फंदे को हमने बनाया और इसे हमने स्लिप किया। तब हम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पर अपने डिज़ाइन को देख लेंगे। यहाँ पर ये वाला फंदा आपका स्लिप होगा, उससे पहले आपने फंदे को बनाना है, फिर आपने एक फंदे को स्लिप करना है, एक फंदे को बनाना है। इसी तरीके से बनाते हुए आपने इस डिज़ाइन को कंटिन्यू करना है, जैसे मैंने किया। देखिए, यहाँ पर मैंने इस फंदे को बनाया, इसे स्लिप किया, इसे बनाया, इसे स्लिप किया, फिर इसे बनाया, इसे स्लिप किया, इसे बनाया और इसे स्लिप किया। देखिए, यहाँ पर इस फंदे को, ये जो बड़ा हुआ डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, तो आपने इस फंदे पर आपने स्लिप करना, बस इसका आपने ध्यान रखना, बाकी आपका डिज़ाइन सेम ऐसे ही बन जाएगा। ये देखिए, इस फंदे को हमने बनाया, इसे स्लिप किया,
इसको बनाना है और इस फंदे पर आपने स्लिप करना है। बस इस पर ध्यान देंगे तो आपका ये डिज़ाइन फ्रेंड्स बन जाएगा। बस अब कंटिन्यू आपने यही करना है, जैसे हमने ये वाला कलर लगाकर डिज़ाइन को बनाया था सेम ऐसे ही रिपीट हो गया। बस आपने जो स्टार्टिंग करनी है उस पर आपने ध्यान देना है फ्रेंड्स। ये देखिए बड़े पैटर्न में ये डिज़ाइन आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और डिज़ाइन देखिए कितना उभरा हुआ डिज़ाइन दिखाई दे रहा है, ये देखिए। लेकिन आपने डिज़ाइन शुरू करने से पहले आपने बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर बनाने के बाद एक सिलाई आपने सीधी और उल्टी की बनाएंगे, उसके बाद अगर आप डिज़ाइन को बनाएंगे तो बहुत अच्छा डिज़ाइन बनेगा। और ये देखिए जैसे मैंने ये बनाया, उसके बाद अगर मैंने सीधी और उल्टा इसमें नहीं बनाया तो ये जो है इस तरीके से बॉर्डर आपका मुड़ जाएगा। तो इसलिए आपने इस डिज़ाइन में एक बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड से सीधा और उल्टा एक बना के फिर आपने डिज़ाइन को बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसी तरीके से किया तो ये डिज़ाइन हमारा बिल्कुल भी मुड़ नहीं रहा है। और आपने इसी तरीके से इस डिज़ाइन को बनाना है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।